हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको इस वीडियो में एसएस राजमौली की ब्लॉकबस्टर फिल्म ट्रिपल आर के सीक्वल ट्रिपल आर 2 से जुड़ी एक अपडेट के बारे में बताने वाली हूं। तो फ्रेंड्स, एसएस राजमौली की फिल्म ट्रिपल आर ने सबसे पहले बॉक्स ऑफिस पर ताबड़तोड़ कमाई की, फिर ऑस्कर 2023 का पुरस्कार अपने नाम पर इतिहास रचा और अब सिनेमाघरों में एक साल पूरे कर लिया है। जी हाँ, पिछले साल आज ही के दिन जूनियर एनटीआर और रामचरण की फिल्म ट्रिपल आर ने सिनेमाघरों में दस्तक दी थी। दिलचस्प बात यह है कि भारतीय सिनेमाघरों में रिलीज होने के बाद ये फिल्म पूरे साल दुनिया भर के अलग अलग सिनेमाघरों में रिलीज होते गई और कारोबार करती गई। हालांकि अब भी इस फिल्म का क्रेज रुकने का नाम नहीं ले रहा है। अब बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचाने इस फिल्म का सीक्वल आ रहा है। ये खबर सुनकर फैंस भी काफी ज्यादा एक्साइटेड है, क्योंकि फैंस भी चाहते थे कि ट्रिपल आर के सीक्वल ट्रिपल आर 2 जल्द से जल्द रिलीज किया जाए। हालांकि मेकर्स की तरफ से ट्रिपल आर के सीक्वल ट्रिपल आर 2 का अनाउंस कर दिया गया था कि आने वाले समय में इसका सीक्वल बनाया जाएगा, जिसे सुनकर फैंस काफ़ी ज़्यादा खुश थे और अब वो इस फिल्म का बहुत ही बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। वहीं हम आपको बताते चले तो एसएस राजमौली ने ट्रिपल आर 2 के बारे में बात करते हुए कहा था, मेरे पिता मेरी सभी फिल्मों के कहानीकार हैं, हमने ट्रिपल आर 2 के बारे में चर्चा की है, अभी वह कहानी पर काम कर रहे हैं। इस जीत के बाद अब हम ट्रिपल आर 2 पर तेजी से काम करना शुरू कर देंगे। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो एसएस राजमौली और उनके पिता ने दूसरे पार्ट में अलग अलग कहानी दिखाने की प्लानिंग बनाई है। कहा जा रहा है कि दूसरे पार्ट में स्वतंत्रता के पहले के तेलुगु राज की कहानी बताई जाएगी। दूसरे पार्ट में भी रामचरण और जूनियर एनटीआर अपने किरदार निभाते हुए नजर आएंगे। हालांकि अभी तक इस बारे में कोई भी ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं की गई है। वहीं हम आपको बताते चले तो एसएस राजमौली ने इस पैन इंडिया फिल्म को तकरीबन 550 करोड़ के बजट में तैयार किया था। इस फिल्म ने दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस पर 1236 करोड़ रुपए से ज्यादा कमाई की थी। भारतीय बॉक्स ऑफिस की बात करें तो ट्रिपल आर ने 936 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया था। वहीं यूएसए के बॉक्स ऑफिस पर ट्रिपल आर ने 1,56,00,000 और जापान के बॉक्स ऑफिस पर 81,06,00,000 का कलेक्शन किया था। वहीं हम आपको बताते चले तो जब ट्रिपल आर रिलीज हुई थी तो सिनेमाघरों में तहलका मचा दिया था। फैंस ने इस फिल्म को बहुत ज़्यादा पसंद किया था और बहुत ही तारीफ की थी। वहीं अगर फिल्म की बात की जाए तो इसमें बॉलीवुड के एक्टर अजय देवगन और एक्ट्रेस आलिया भट्ट ने कैमियो किया था, जो कि उनका किरदार भी शानदार था। फैंस ने उनकी भी एक्टिंग को काफ़ी ज़्यादा पसंद किया था। वहीं ट्रिपल आर का नाटू नाटू सॉन्ग आप सबको याद ही होगा, जिसमें जूनियर एनटीआर और रामचरण ने जबरदस्त डांस किया था और ये डांस बहुत तेजी के साथ वायरल हो गया था, जो कि आज भी सोशल मीडिया पर आए दिन रोज न रोज इस सॉन्ग के बारे में कुछ न कुछ सुनने को मिलता ही रहता है। वहीं अगर बात ट्रिपल आर के सीक्वल ट्रिपल आर 2 की जाए तो अभी मेकर्स की तरफ से स्टार कास्ट का खुलासा नहीं किया गया है। हालांकि ये चीज़ तो कंफर्म है कि जूनियर एनटीआर और रामचरण इस फिल्म में नजर आने वाले हैं। वहीं कौन सी एक्ट्रेस नजर आने वाली है अभी कुछ भी कहा नहीं गया है। तो फ्रेंड्स, आप सबसे एक सवाल है, ट्रिपल आर के सीक्वल ट्रिपल आर 2 में आप किस एक्ट्रेस को देखना चाहते हैं और फिल्म के बारे में आपका क्या कहना है, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। और इसी तरह के वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।